हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारा है सिलोसिया प्लांट की केयर के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे सिलोसिया के प्लांट्स हैं और ये चार अलग अलग कलर के छोटे छोटे सीडलिंग्स जो हैं वो मैंने परचेस किए थे और एक ही पॉट में लगा दिए। कंट्रास्ट वाले कॉम्बिनेशन में अच्छे लगते हैं ये ग्रो करना, तो मैंने इस तरह की ये रेक्टेंगल पॉट है, प्लास्टिक का है। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था फ्लिपकार्ट से, तो मैंने इसी में इसको लगा दिया था और ये अच्छे से इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह सबसे पहले अगर मैं इसकी सॉइल की बात करूँ तो सॉइल आपको इसकी बिल्कुल पोरस बनानी है। जितने अच्छे अमाउंट में आप सैंड ऐड कर सकते हो उतने अच्छे अमाउंट में आप सैंड ऐड करें, ताकि सॉइल बिल्कुल सॉफ्ट सी बने एकदम। और पोरस के साथ साथ फर्टाइल भी होनी चाहिए, क्योंकि जो है जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं। वैसे तो सिलोसिया जो है अमेरिकन फैमिली का प्लांट है, इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर हम अच्छे से किसी भी प्लांट को खाद पानी देते हैं तो उसकी ग्रोथ और फ्लावर्स का जो साइज़, शेप और ब्राइटनेस होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी आप इसकी सॉइल बनाएं तो अच्छे अमाउंट में आप कॉम्पोस्ट ऐड कर दें, तो इस तरीके से आपका जो पॉटिंग मीडिया है वो काफ़ी अच्छा लाइट, पोरस और फर्टाइल बनेगा। वाटरिंग की बात करें फ्रेंड, तो इस प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो स्टेम होती है उसमें पानी स्टोर रहता है, तो हमें ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हल्का हल्का पानी डालना होता है, वो भी तब जब आपका जो सॉइल है जो पॉट की उसमें आपको अपर सरफेस ड्राई लगे, तभी आप इस प्लांट में वाटरिंग करें। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं इसकी, स्टेम होती हैं, वो सब गल जाती हैं। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखो, जब भी आप वाटरिंग करें चेक कर लें, फिंगर डाल के चेक कर लें कि 1 से 1.5 इंच अगर आपका फिंगर जा रही है सॉइल में और सॉइल आपको ड्राई लगती है तब आप वाटरिंग करें। फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड्स, तो इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट जैसे मैंने पहले भी बोला, तो आपको इसे हर महीने कम से कम एक बार आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे मस्टर्ड केक बनाते ही हम लोग सभी प्लांट्स के लिए, तो मस्टर्ड केक आप दे सकते हो या फिर काउडंग मैन्योर, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इस प्लांट में ऐड कर सकते हो। और इस प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये फुल सनलाइट, जितनी अच्छी सनलाइट आप इस प्लांट को दे सकते हो दें, तो वो अच्छे से ग्रो करता रहेगा और खूब ब्राइट ब्यूटीफुल शेड के फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करता रहेगा। इस प्लांट में कलर ऑप्शन भी फ्रेंड काफ़ी अच्छे आपको मिल जाएंगे। जैसे मेरे यहाँ तो ये 4 कलर्स के लगे हुए हैं, बट मैंने देखा है नर्सरी में आजकल येलो में भी काफ़ी अच्छे शेड्स आ गए हैं, लाइट येलो भी आता है, डार्क येलो है, ये मेरे पास और भी बहुत सारे कलर्स हैं। तो आप अपने फेवरेट कलर के हिसाब से प्लांट परचेस कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस प्लांट की प्रोपगेशन की बात करें तो आप इसे ईजिली कटिंग से लगा सकते हो। सॉफ्ट वुड कटिंग भी इस प्लांट की बहुत ईजिली लग जाती है, और अगर आपका प्लांट थोड़ा मैच्योर हो गया है तो इसमें बहुत सारे सीड्स बनते हैं, यहाँ पर खूब ढेर सारे सीड्स बनने लगते हैं। अगर आप इस प्लांट को एक बार अपने गार्डन में ले आते हो तो ट्रस्ट मी, ये इतने ढेर सारे सीड्स इसमें से प्रोड्यूस करता है कि यहाँ पे पूरे पूरे में जो ये इसके स्टॉक जैसे निकले, इसमें पूरे में ये सीड भर जाते हैं, और एक बार लाने के बाद दोबारा हम लोगों को ये प्लांट खरीदना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप कटिंग से भी इस प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हो और सीड के थ्रू भी आप इस प्लांट को बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हो। और अगर आप जैसे जाले में इसको लगाते हो तो जाले में तो आपके यहाँ रहेगा ही, और जो है अगर जैसे सीड्स आप जमा कर लेते हो, और क्योंकि एक प्लांट जो होता है उसकी एक लाइफ होती है, लाइफ साइकिल, मतलब जिंदा तो वो रहेगा आपके यहाँ, बट क्या होता है शेप बिगड़ने लगता है। कोलियस प्लांट में एक लिमिट के बाद प्लांट का शेप ख़राब सा होने लगता है, वैसे इस प्लांट में भी होता है। तो जब शेप ख़राब होने लगता है फ्रेंड, तो उस टाइम तक हमारे पास इतने ढेर सारे सीड्स हो चुके होते हैं कि हम लोग दोबारा से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो आप इस प्लांट को
विंटर के अलावा जो है समर सीजन में भी लगा सकते हो। अगर आपने सीड कलेक्ट कर लिए हैं तो आप अपने सीड से बहुत इजीली नए नए पौधे बना सकते हैं और उन्हें ग्रो कर सकते हैं। बस समर में ये है कि आपको बहुत तेज वाली जब धूप होती है तो थोड़ा सा ग्रीन नेट में रखने की ज़रूरत पड़ती है, वरना लीव जो होती है बर्न होने लगते हैं और ये जो होते हैं इनके ये जो बने रहते हैं ना इस तरीके जो फ्लावर्स होते हैं या जो भी हैं इनके वो ख़राब से होने लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ग्रीन नेट में रखना पड़ता है। अदरवाइज आप इसे गर्मियों में भी जो है ग्रो कर सकते हो, सीड्स के थ्रू नए पौधे बना लें तो वो क्या होता है अच्छे शेप में भी रहेंगे। और अब जैसे ये मेरे अभी छोटे पौधे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब ये फुल अपनी ग्रोथ कर चुके होते हैं, सीड प्रोड्यूस कर चुके होते हैं, तो फिर इनका शेप होने लगता है ख़राब। तो वो उस टाइम में मतलब बेस्ट रहता है, मैंने हमेशा ऐसा किया है जब भी मैंने कॉक्सकॉम वगैरह लगाया है तो फिर नए पौधों से ही जो है पुराने पौधों को हटा देना चाहिए और नए पौधों से ही जो है हम लोगों को अपना गार्डन डेकोरेट करना चाहिए, क्योंकि वो शेप अपना बना के रखते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये छोटा सा वीडियो सिलोसिया प्लांट की केयर के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स, हैप्पी गार्डनिंग।